अपडेट करेंगे आपको। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी पीपी सात के इंतखाबी नतायज चैलेंज कर दिए हैं। उम्मीदवार शबीर रवान की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती शुरू कर दी गई। नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर को 49 वोटों से कामयाब करार दिया गया था। साउथ बर्ड से तफसला जानते हैं। जी साउद, आगा कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुबह से ही इलेक्शन कमीशन का रुख किया गया है और पीपी सात रावलपिंडी में जो उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान थे उनकी जानिब से ये दोबारा गिनती की दरखास्त दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार राजा सगीर को 49 वोट जो है उसकी बढ़तरी है और बहुत ही बारीक मार्जिन है। 68,906 वोट राजा सगीर अहमद को मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अवान को 68,857 वोट मिले, जिसके लिए अब बकायदा तौर पर ये जो दरखास्त की गई थी कि वोटों की गिनती दोबारा की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी दरखास्त फौरी तौर पर वोटों की गिनती जो है शुरू कर दी है। इंतहा बारीक मार्जिन है और अगर मुस्तरद वोटों की तादाद की भी बात करें तो अगर मुस्तरद वोट में से भी कुछ वोट्स मिल जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार को तो ये मुमकिन तौर पर चांसेस हैं कि ये किसी सूरत जीत द्वारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ दी जा सकती है। अभी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।